रिकॉर्डिंग अभी मत कीजिए। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए नॉर्मल पे, आप लोग से सॉल्व हुआ था? सर ऑप्शन वन आया था उसका आंसर। यस सर बना रहा था। ये वाला क्वेश्चन था नहीं? ऑप्शन वन। ये जो है सर्कल पे पॉइंट है जिसका आपको दे रखा है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपको पता होगा। एब्सिसा सोचो ए से स्टार्ट है, यानी कि पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट मान लो, ऑर्डिनेट इसको अपन वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कितना दे रखा है? माइनस वन दे रखा है। मतलब इस सर्कल पे एक पॉइंट है, एक या दो पॉइंट होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या सेम होगा, ऐसा बोल सकते हो आप? माइनस वन, तो उसका क्या एक्स कोऑर्डिनेट अपन बता सकते हैं क्या? क्या होगा बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो। क्या करोगे सर्कल में वाई इक्वल्स टू माइनस वन रख देंगे तो क्या एक्स हमें मिलेगा? मिल जाएगा। तो चलिए सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे वाई इक्वल्स टू माइनस वन रख दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एट एक्स प्लस टू प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। तो x में क्वाड्रेटिक मिला एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, यानी कि ये कितना हो गया 15 इक्वल्स टू जीरो। क्या x इक्वल्स टू तुम्हारा 3 और 5 आ रहा है ऐसा? तो एक आ गया x इक्वल्स टू 3, दूसरा आ गया 5। क्या आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख पाओगे? नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, सर्कल के सेंटर से, नहीं? तो सर्कल का सेंटर आप तो बता सकते हो, सेंटर क्या है इसका बताओ? सेंटर क्या 4.1 है। तो अब इसको मिला देंगे तो क्या अपने को नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा? मिला दो इसको, तो देखो ये नॉर्मल आ गया, एक नॉर्मल ये, दूसरा नॉर्मल ये आ गया। क्या इस दोनों नॉर्मल का इक्वेशन लिखा जा सकता है? लिख सकते हो पॉइंट फॉर्म से। क्या आ जाएगा इसका स्लोप बता दो कितना आ रहा है? y2 माइनस y1, तो यार ये बोल दोगे 1 प्लस 1 4 माइनस 3, क्या ये 2 आ गया? दूसरा इसका स्लोप क्या आ जाएगा? क्या 1 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 5, क्या ये माइनस 1 आ रहा है? अब दोनों नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो। फिर माइनस 2 आएगा। अच्छा माइनस 2 आएगा ऊपर में है ना, माइनस 2 आएगा। अच्छा चलेगा। तो अब बताओ यहाँ से क्या लिख दोगे? y माइनस y1 टू x माइनस 4, एक लाइन ये आ गया। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 8 और ये इधर जाएगा तो माइनस 7, एक लाइन ये मिला आपको। दूसरा नॉर्मल क्या आ जाएगा? y माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 4, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 8, तो y प्लस 2x इक्वल्स टू 9। क्या दूसरा नॉर्मल मिला? अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है भाई, कौन सा है? यहाँ पे 2x माइनस y माइनस 7 और 2x प्लस y माइनस 9, क्या पहला ऑप्शन करेक्ट होगा? यस सर। सही है, सबसे सॉल्व हो गया होगा ये तो, नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब चलो हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में एंड पावर ऑफ पॉइंट के बारे में। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है ये कैसे फाइंड करें, हमें याद करना है यही सेम चीज। अभी जो भी चार पांच प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हो ये पूरे कॉनिक के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि सर्कल में भी यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सेम फॉर्मूला आएगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसने बोला जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करें? सर्कल का तो जो मतलब जो फिगर होता है ये सिमेट्रिक होता है, नहीं? तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना तो और भी इजी सा हो गया। मान के चलो यहाँ से इस पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है ना। इस सर्कल का इक्वेशन लिख लो, स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब क्या इस पॉइंट से कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे
एक टेंजेंट हो जाएगा आपका ये वाला, दूसरा टेंजेंट हो जाएगा आपका ये वाला। तो यानी कि हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है PT1 और PT2, ठीक है जी। अगर ये टेंजेंट है तो क्या इससे अगर मिला दूंगा तो क्या ये नॉर्मल होगा क्या, बताओ। अगर ऐसा yes. लिखे, ऐसा होगा, नॉर्मल होगा, तो इसका लेंथ किसके इक्वल, क्या ये रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ठीक है ना, ये सेंटर है, सेंटर आपका क्या है इसका ओरिजिन है। एक चीज तुम ज्योमेट्री से देख लो, जो क्या ये PT1 और PT2 इक्वल होगा क्या, क्या सिमेट्री है। तो यहां से एक आपने प्रॉपर्टी देखा जो भाई ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉमन है और ये दोनों इक्वल है, तो थर्ड साइड भी क्या इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हो आप सिमिलर ट्रायंगल से। यस सर, ऐसा बोल सकते हो। अब ये सब कुछ दिख रहा है और तुम्हें फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या PT1 के इक्वल है, और PT1 इक्वल्स टू क्या ये PT2 है। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। पाइथागोरस लगा दो, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस वाले में हमने क्या किया, पाइथागोरस यूज कर लिया, इस वाले में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या आप बोल सकते हो जो पी टी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला क्या हो जाएगा, पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप, बताओ। तो यहां से पी टी वन किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी ओ स्क्वायर बता सकते हो, क्योंकि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। तो क्या ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, बताइए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचो तो यार ये तो कुछ ऐसा है जो सर्कल का जो इक्वेशन आप है ये लिखे हो, इसको हम लोग एस के इक्वल भी बोले थे, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा है क्या, एक तरह से कह सकते हैं जो इस एस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वन एक्स को और वाई को रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, एक्स वन वाई वन से, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट रख रहे हैं, तो क्या वही मिलेगा अपने को, ये जो है क्या मैं इसको रूट एस वन बोल सकता हूँ, क्योंकि एस वन जो होगा वो क्या आ जाएगा, कि ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, बताओ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ गया, तो रूट एस वन के इक्वल आ गया। सोचो यही सेम फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं जो सर्कल इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सबके लिए सेम होगा, तो क्या याद कर सकते हैं अपन, सोचो कर सकते हैं। तो यहां से आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया, ओके। अगर अपन जनरल सर्कल के बारे में बात करें तो उसमें भी सेम कहानी होगा, कुछ अलग थोड़ी ना होगा। ये सर्कल है, इसका इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और इसका जो सेंटर है वो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। बोला है जो इस पॉइंट से, यानी कि एक बाहर पॉइंट है x1 y1, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो इस टेंजेंट का लेंथ बता दो कितना होगा, यानी कि ये t1 है ये t2 है। तो क्या अपन यहां से भी लिख सकते हैं जो भाई ये जो है आपका s है, s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी लिखोगे, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या अपन ये लिख सकते हैं पी टी वन इक्वल्स टू पी टी टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या रूट एस वन बोलेंगे, और एस वन आपका क्या है आपको पता है, यही वाला पॉइंट सर्कल में रख देंगे। तो क्या ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होगा, ऐसा।
तो यहाँ से ये कितना आ गया भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्या आपको याद रखना है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा क्या वो रूट s1 के इक्वल होगा, बताइए। यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट्स के बारे में। बोला है पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है ना, ये वाला प्रॉपर्टी आप नाइन्थ क्लास में थ्योरम में पढ़ चुके होंगे सर्कल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, क्या कहता है पहले वो सीख लेते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि प्रूफ तो चलो ठीक है, याद रहा तो सही है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है जो पी ए इंटू पी बी जो होगा, पी ए इंटू पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, पी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये पी टी जो है क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, बताओ। yes, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो पी टी का तो पी टी का लेंथ बताओ किसके इक्वल लिखोगे, रूट एस वन बताओगे, यही बोलोगे ना। yes, टेंजेंट अभी तो पढ़े हैं रूट एस वन है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये आ जाएगा रूट एस वन स्क्वायर, और यहाँ से क्या ये एस वन के इक्वल होगा, ऐसा बोलोगे आप, चलेगा। yes, चलेगा। तो ये हमें प्रॉपर्टी याद रखना है। मान के चलो एक कॉर्ड हमने सीकेंट कह सकते हैं, चलो हमने और ड्रॉ कर दिया, ये बोल दिया चलो ये वाला है, ठीक है ना। इसको हमने बोल दिया ये C है और ये D है, तो यहां से क्या आ गया जो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूँ पी सी इंटू पी डी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा एस वन के इक्वल आ जाएगा, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। और आप लोग को क्या ये याद आ रहा है जो ऐसा तुम थ्योरम पढ़ चुके हो पहले नाइन्थ क्लास में। yes, sir. ऐसा है। अब अगर इसको प्रूफ करने की बात आए जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो वो अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, कौन सा सर्कल लेना चाहोगे, स्टैंडर्ड सर्कल या जनरल सर्कल, बताओ फटाफट कौन सा सर्कल लेना चाहोगे आप। जनरल। जनरल। तो इस सर्कल का इक्वेशन आप क्या लिखना चाहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ऐसा बोलोगे। ध्यान से सोचना। अब सोचो क्या तुम कह सकते हो जो इस P पॉइंट से मैं अगर R1 डिस्टेंस चला तो हमें A पॉइंट मिला, और अगर R2 डिस्टेंस चलेंगे तो हमें B पॉइंट मिलेगा, क्या ऐसा है, बताओ। यस सर। ऐसा है, अगर मैं बोलूं इससे तुम R1 डिस्टेंस चले इस लाइन पे तो तुम्हें A पॉइंट मिला, और इससे तुम R2 डिस्टेंस चले तो तुम्हें B पॉइंट मिला, ऐसा है। और अगर इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं x1 कॉमा y1, ठीक है ना, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो PA इंटू PB है वो क्या है अपना, पी ए इंटू पी बी जो है क्या वो तुम्हारा आर वन इंटू आर टू होगा, यही फाइंड करना है ना तुम्हें, बताओ फटाफट बोलो। ऐसा है, पी ए इंटू पी बी तुम्हारा आर वन इंटू आर टू, यही तो तुम फाइंड करना चाह रहे हो ना, यही चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस लाइन का जो स्लोप है वो टेन थीटा है, तो क्या मैं पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था भाई, जो हमने बोला x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू हमने r लिख लिया, क्या यहाँ से तुम्हारा x किसके इक्वल आ जाएगा, क्या ये x1 प्लस r cos थीटा, y क्या आ जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, ऐसा। क्या तुम बोलोगे जो ये जो पॉइंट है क्या ये सर्कल पे लाई कर रहा है, हमने तो वही सेट किया जो भाई r डिस्टेंस चले और हमें सर्कल पे पॉइंट मिल गया, तो अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या ऐसा है। हां सर। यस। तो सर्कल का जो ये जनरल इक्वेशन है उसमें रख दो, तो सर्कल के जनरल इक्वेशन में रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये x1 plus r cos theta square plus y1 plus r sin theta
होल स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा प्लस टू एफ एक्स वन प्लस आर साइन थीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्या तुम्हें यहाँ पे आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा बताओ, आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा देख लो। यस सर, आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा। अगर आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा तो उसी का एक रूट क्या होगा, आर वन होगा और दूसरा आर टू होगा। और यहां से जो तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे यानी कि आर वन इंटू आर टू, वो जो तुम्हारा आएगा वो एस वन के इक्वल आएगा। एस वन बोले तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। ये तुम घर पे कर सकते हो, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो इसके इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये थ्योरम आप याद रखोगे? इंपॉर्टेंट है, चलेगा जी? यस। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो फटाफट। इसने बोला है इफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल, ओके, मीट ए स्ट्रेट लाइन इतना एट पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और रफ स्केच ड्रॉ करो और आंसर बताओ। ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है भाई? माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री। यानी कि ये कहाँ पे होगा? इधर होगा नहीं? ठीक है, चलो ऐसे ही अपन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई उतना ऐसा नहीं है जो परफेक्ट ही बनाना है। मान लिया यहाँ पे ये सर्कल है। अब क्या बोल रहे हैं, जो एक लाइन है तुम्हारा ये कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करेगा? वाई इंटरसेप्ट क्या होगा उस लाइन का? इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ? 3 होगा भाई, 0.3। इतना नहीं सोचना है, क्या 0.3 है? और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ये क्यू बोला है। क्या ये सबको क्लियर है? ये लाइन कुछ इस टाइप का है, इसने बोला है जो वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? क्यू पे कट कर रहा है। और ये लाइन जो है तुम्हारा क्या है भाई, 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये बातें सबको क्लियर हैं? क्लियर है। अब सोचो उसने क्या बोला है, जो बोला है इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 2 मीट ए स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस। इससे क्या समझ में आ रहा है, जो इस सर्कल पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो टेंजेंट मीट कर रहा है कहां पे, क्यू पे मीट कर रहा है। क्या ऐसा बोल रहा है, बोलो? हाँ सर, ऐसा है। तो ये जो पॉइंट पी है, अब तुमसे क्या ये पी क्यू पूछा है? इस पॉइंट से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होगे, मान के चलो। लेकिन इसने बोला जो सर्कल पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो वो Q को Q से पास कर रहा है। तो ये जो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो पूछा है हमसे, ये जो PQ है, PQ किसके इक्वल आएगा? क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल आएगा? क्या ये सबको क्लियर है बताओ? यस सर। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? रूट एस वन। और क्या आपको एस के बारे में पता है? क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस टू, और क्या वो पॉइंट भी तुम्हें पता है जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, क्यू पॉइंट? क्या कोऑर्डिनेट है? 0.3। क्या अपन ये एस वन बता सकते हैं? 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस। सर ऑप्शन सी माइनस टू। अच्छा ऑप्शन सी आ रहा है,
ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा 16 प्लस 9, क्या ये 25 आया? तो रूट एस वन लिखोगे तो रूट एस वन किसके इक्वल होगा? रूट 25, क्या ये 5 के इक्वल आएगा? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर सबको? यस बोलो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बोले द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इतना इज 3 यूनिट्स। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस सर्कल पे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 3 के इक्वल है। तो क्या करें भाई? चलो युग सोचो भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये सर्कल है आपका, बोला है जो ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है, जिस पॉइंट का लोकस बताना है उसको क्या एच कॉमा के सिलेक्ट कर लें। बोला है जिसको टेंजेंट, जिससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आ रहा है भाई वो किसके इक्वल आ रहा है? 3 यूनिट्स के इक्वल आ रहा है। क्या किया जाए? क्या इस पी पॉइंट का लोकस अपन बता सकते हैं? आप बोलोगे जो कि क्या होगा PT1, और ये किसके इक्वल होगा? रूट एस वन के इक्वल, और ये तुम्हें 3 दे रखा है। पर ए आ रहा है। अच्छा तो रूट एस वन अगर 3 है तो एस वन किसके इक्वल हो जाएगा? 9 के इक्वल हो जाएगा। बताओ तो S1 क्या होगा भाई? क्या इसमें रख दें? चाहिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2H माइनस 4K प्लस 4 इक्वल्स टू क्या? 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2H माइनस 4K माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या तुम्हें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2X माइनस 2Y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। किस किस का डी आया था? डी आया था ना तुम लोग? यस यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पावर ऑफ ए पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन पावर ऑफ ए पॉइंट से काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। किसी का आंसर आया? देखो इसने क्या बोला है, इफ ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द लाइन, दो लाइन दिया है, बोला है जो तुम्हारा सर्कल जो है ना, वो तुम्हारा सर्कल इन लाइन के, ये जो लाइन है तुम्हारा और ये लाइन तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जहां जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट से तुम्हारा ये सर्कल पास कर रहा है। क्या ऐसा बोला है? बताओ। क्वेश्चन पढ़ के तो यही समझ में आया होगा ना तुम लोगों। बोला इफ ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द लाइन लैम्डा 2,1/3। अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? हाँ। अच्छा देख लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां सिर्फ टू आ रहा है? बताओ इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा?
x इंटरसेप्ट यानी कि क्या x इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन लेमडा आएगा, और इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना आएगा? y इंटरसेप्ट के लिए x जीरो रख दो तो क्या y इक्वल्स टू वन आ रहा है? और इस लाइन के बारे में बात कर लो, इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या आएगा? क्या x इंटरसेप्ट माइनस थ्री, और y इंटरसेप्ट क्या होगा? क्या ये थ्री बाय टू होगा? ऐसा तो अब सोचो, एक पॉइंट है तुम्हारा यहां पे 0.3/2 और एक पॉइंट आया 0.1, ठीक है ना, और एक का क्या है माइनस थ्री है, मान के चलो ये तुम्हारा -3.0 है और यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा -1/λ.0। क्या सर्कल ये चारों पॉइंट से पास कर रहा है तुम्हारा? क्वेश्चन तो यही बोल रखा है, तो सर्कल जो है तुम्हारा वो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा ये तुम्हारा सर्कल है, मान लो आलू जैसा दिख रहा है ना, ये सर्कल है, ठीक है चलेगा। एक मेथड ये है जो हमें नहीं सॉल्व करना है, उस मेथड से जो तुम बोलोगे सर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा है, क्या इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट के हेल्प से मैं सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लूं? और सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, अगर ये पॉइंट भी अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या आप ऐसा बोलोगे? बताओ। यस हाँ, क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखा है ना, जो अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा है तो हम इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के हेल्प से सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आएगा वो क्या सर्कम सर्कल आएगा, सर्कम सेंटर हमें फाइंड करना आता है, रेडियस फाइंड कर लेंगे, सर्कम सर्कल फाइंड कर लेंगे, बोल देंगे जो चलो तीनों को मिला दो, एक ट्रायंगल बन गया और सर्कल का इक्वेशन आ गया, और चौथा पॉइंट जो है वो इसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो चौथा पॉइंट जो है इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन हमें ये थोड़ा लेंदी सा पड़ जाएगा, तो अभी जो पावर ऑफ ए पॉइंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या वो कॉन्सेप्ट यूज करें? क्या ये ओरिजिन है 0.0, क्या अपन कह सकते हैं अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस पॉइंट को ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें, तो क्या पावर ऑफ ए पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं जो ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, क्या ऐसा लिख सकता हूं पावर ऑफ ए पॉइंट से? बताओ, इसी का क्वेश्चन है, क्या ऐसा लिख सकते हो आप? बताओ। यस सर, लिख सकते हो। तो अब सोचो, क्या ये ओ ए हमें पता है किसके इक्वल है? ओ ए किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। ओ बी ये वाला लेंथ किसके इक्वल होगा? 3/2 के इक्वल होगा। OC जो है वो किसके इक्वल होगा? -1/λ के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। क्या ये 3-3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये 1/λ इक्वल्स टू क्या ये 1/2 बताओगे? क्या मॉड लेमडा इक्वल्स टू तुम 2 बताओगे? क्या लेमडा इक्वल्स टू तुम्हें कितना बताना पड़ेगा, +-2 बताना पड़ेगा? ऐसा कह सकते हैं? बताइए, चलेगा? अब सोचो थोड़ा सा और, जो ये जो लाइन है, तुम्हारे मन में ख्याल तो ये आ रहा होगा सर लेमडा का क्या दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो देख लो भाई, थोड़ा सा सोच लो, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये था तुम्हारा, ठीक है, इसने बोला है इन दोनों पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा, क्या अगर ये ऐसा गया और फिर ऐसा आएगा तो यानी कि क्या लेमडा तुम्हारा इधर होना चाहिए या फिर राइट साइड में होना चाहिए? मतलब ये वाला -2 नहीं हो सकता सर, सर क्योंकि -2 होगा तो उस साइड जाकर सर्कल नहीं बनेगा। अच्छा, अगर -2 होगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो अगर 1/2 होगा तो क्या तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा? बताओ,
ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या उस पॉइंट से पास कर पा रहा होगा? इस पॉइंट से तो पास ही नहीं कर पाएगा, 0.1 से करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें लेमडा का वैल्यू क्या लेना चाहिए? ये आंसर होगा, तो लेट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। समझ में आ रही बातें? हेलो, यस सर, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो फॉर्मूला पढ़ोगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, यही सेम यूज होगा पूरे कॉनिक में, ठीक है ना? सोचो अभी तक तुमने जो पढ़ा है, एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है? √S1। अब सोचो यही सेम फॉर्मूला पूरे कॉनिक में एप्लीकेबल है, तो एक बार याद करेंगे तो काम बन जाएगा अपना। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ोगे, ये भी फॉर्मूला पूरे कॉनिक के लिए एप्लीकेबल है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है पहले तो ये जान लेना है हमें, ठीक है ना? इसके प्रूफ के बारे में मैं नहीं बता रहा अभी, अगर आपको प्रूफ देखना है तो मैं बता दूंगा आपको, वीडियो भी भेज दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है, चलेगा। अब ये बोल रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता क्या है, पहले हमें ये सीख लेना है। बोल रहा है जो बाहर से एक P पॉइंट है, ये मान के चलो ये x1, y1 है, P पॉइंट जो है आपका ये x1, y1 है। अगर तुम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कितना टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप सर्कल पे? एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ करते हो? 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे? बोलो, 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा। तो क्या अपन इस A पॉइंट को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? क्या ऐसा है? A पॉइंट क्या ये टेंजेंट और सर्कल को टच कर रहा होगा क्या? मतलब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, सर्कल को ये लाइन A पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट। क्या ऐसा है? और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या ये आएगा दूसरा टेंजेंट का? क्या ये सबको क्लियर है? तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर मिला दे तो वो कहलाता है, क्या ये एक कॉर्ड आया? इसको क्या तुम कॉर्ड बोलोगे? बोलो, इसको कॉर्ड बोलोगे? इसी कॉर्ड को अपन बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आया कहां? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर अपन मिला दिए तो अपने को क्या मिला? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिला। क्लियर है सबको? समझ में आया? जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से इस कर्व पे, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, अगर उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर मिला दे तो हमें मिलता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलता है। ओके, क्लियर है? तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसका जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन होता है t = 0। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, भाई t = 0 क्या है? तो एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं जो क्या क्या हम अभी तक याद किए हैं, ध्यान देना। अगर कर्व का इक्वेशन है, जैसे सर्कल का इक्वेशन था, s आपने किसको लिखा था? x² + y² + 2gx + 2fy + c, इसको आपने s बोला था? बताओ, s1 आपने क्या बोला था? इसी में पॉइंट रख दिए थे, x² + y² + 2gx1 + 2fy1 + c, इसको आपने s1 बोला था। अगर t हमें फाइंड करना था, तो t के लिए आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था बताना मुझे? t के लिए आपने क्या बोला था? क्या x² को हम लोग रिप्लेस किए थे x * x1 से, y² को रिप्लेस किए थे y * y1 से, और x को रिप्लेस किए थे किससे? x + x1/2 से, और y को रिप्लेस किए थे y + y1/2 से, और रेयरली आपको xy का xy वाला टर्म आएगा जो कि सर्कल में नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल में जो xy का कोफिशिएंट होता है वो जीरो होता है। अगर 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, उसको अगर अपने को सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो आपने पढ़ा था जो सर्कल के इक्वेशन को तब वो रिप्रेजेंट करेगा जब एक तो डेल नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y² और
थर्ड कंडीशन क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, ऐसा ही था ना। तो अगर एक्स वाई आएगा, क्योंकि अपन पूरे कोनिक के लिए बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करो मतलब इसको रिप्लेस कर दोगे एक्स वन इंटू वाई प्लस एक्स वाई वन अपॉन टू से, ऐसा क्लियर है। अब चलो अगर टी हमें लिखना है तो टी कैसे लिखें, क्या ये x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी, ये क्या तुम्हारा t आएगा बताओ, चलेगा? हाँ सर चलेगा। तो अगर हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन याद रखना है तो डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, t इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। और टी हमें फाइंड करना आता है, कभी एस आएगा तो एस का मतलब हम समझ लेंगे, ये जनरल ये जो इक्वेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एस वन मतलब उसी इक्वेशन में हमने पॉइंट रख दिया एक्स वन कॉमा वाई वन, वो आ गया। अब यहाँ पे ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है इसका इक्वेशन आ गया टी इक्वल्स टू जीरो, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आप क्या बता दोगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सी ओ सी, ये किसके इक्वल आएगा, तो x x1 प्लस y y1 प्लस z x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू जीरो, क्या ये सबको याद रहेगा, t इक्वल्स टू जीरो याद करना है अपने को, इतना याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है t कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, हाँ जी, यहाँ पे जो x और y है वो a के कोऑर्डिनेट्स है ना, हाँ x1 और y1 जो है वो p के कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि तुम इसी पॉइंट से ना टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, बताओ। अच्छा अच्छा सर ठीक समझ गया, क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये बोला है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट of a pair of tangent drawn from each point on the line 2x plus y equals to 4 to the circle x square plus y equals to 1 always passes through a fixed point a comma b। जब भी किसी fixed point से pass करने की बातें करता है तो क्या आपने मन में ये आना चाहिए ये family of line वाला कुछ ना कुछ होगा, ऐसा है क्या? फैमिली ऑफ लाइन में का जो इक्वेशन लिखा था आपने L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू जीरो, तो वो जो इनफाइनाइट लाइन था क्या वो इनफाइनाइट लाइन किसी एक पॉइंट से ही तो पास कर रहा था, और वो पॉइंट जो था L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, क्या ये सबको क्लियर है बताओ? यस सर। ऐसा है तो इसमें भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो पहले थोड़ा सा फील करते हैं जो ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है भाई, इसके बारे में बातें करते हैं। इसने बोला जो सर्कल है, बना लेते हैं सर्कल, सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है भाई, ओरिजिन, ओरिजिन है। ओके ये सर्कल ये है, सर्कल का इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और बोला है जो एक लाइन है, लाइन भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये लाइन है, ये लाइन है आपका 2x प्लस y इक्वल्स टू 4, ये लाइन है। अब बोल रहा है जो इस लाइन पे, सो जो एक लाइन पे कितना पॉइंट लाई कर सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकता है, तो बोल रहा है जो इन इनफाइनाइट पॉइंट से जो आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना इसका, तो ये जो टेंजेंट एक आपने ये ड्रॉ कर दिया, तो बोल रहा है जो अगर हम लोग इन दोनों को मिला दें तो क्या ये तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा बताओ, क्या ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा? हाँ सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। तो बोल रहा है जो ये वही बोल रहा है जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इच पॉइंट ऑन द लाइन इतना टू द सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो बोल रहा है ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये किसी ना किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। अब आप सोचोगे सर एक ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपने ड्रॉ किया है, क्या और भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, तो चलो एक और हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में क्लियरिटी आए। सोचो एक हमने बना लिया यहाँ पे, हमने बोला इस पॉइंट से अब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या एक टेंजेंट ये आएगा,
या दूसरा टेंजेंट तुम्हारा ये आएगा। तो इस बार जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करोगे, क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये तुम्हारा आएगा? बताओ, ये आएगा। तो अब सोचो वो जो इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना, वो एक्चुअल में इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा और इसी फिक्स पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बता दो। यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए? तो सॉल्व करने के लिए आप ये बताओ, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या लिखते हो? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या लिखते हो? क्या टी इक्वल्स टू जीरो लिखते हो ऐसा? ये तो पता है ना, अभी जस्ट पढ़े हैं। yes. जीरो होगा। अब सोचो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो क्या वो है उस इनफाइनाइट पॉइंट को क्या मैं एक पैरामेट्रिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? बताओ, क्या अगर आपने इसको y को क्या लिख सकते हो, क्या ये 4 माइनस 2x बोल सकते हो? अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दूं, जो एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं x कोऑर्डिनेट लैम्डा ले लूं, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या ये 4 माइनस 2 लैम्डा होगा? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। अब सोचो इस पॉइंट के हेल्प से क्या मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख सकता हूँ? इस पॉइंट के हेल्प से क्या मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख सकता हूं? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, क्या उन सारे पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्योंकि लैम्डा का वैल्यू चेंज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट तुमको पॉइंट मिलेगा, ऐसा ही है ना? क्लियर है सबको? हाँ। तो अब अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखते हैं, ये आएगा टी इक्वल्स टू जीरो। तो टी इक्वल्स टू जीरो से सर्कल का इक्वेशन क्या है भाई? तो एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को किससे एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? एक्स इंटू एक्स वन से। एक्स वन क्या है तुम्हारा? लैम्डा। और वाई को, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन। वाई वन क्या है? 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा आया? बताओ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लैम्डा प्लस 4 वाई माइनस 2 लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या ये 4 वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 0, क्या ये एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल्स टू 0 आया? तो वो क्या फिक्स्ड पॉइंट बता सकते हो क्या? क्या होगा इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा क्या भाई? एक आ गया 4y-1=0 लाइन है, दूसरा लाइन क्या है x-2y=0। तो बता दो ये फिक्स पॉइंट आपका क्या आएगा? इसका y कोऑर्डिनेट क्या मिला? 1/4। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू क्या है आपका? 2y। तो क्या ये तुम्हारा 1/2 होगा? और इसने बोला है जो a कॉमा b है, तो यही तुम्हारा a है, यही तुम्हारा b है, तो a बाय b क्या हो जाएगा? a तुम्हारा 1/2, 1/4। क्या ये 2 के इक्वल आएगा? तुम लोगों को कुछ नहीं आता है? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया ना सर? आ गया, आ गया, आया सर, आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला सबसे पहले तो रफ स्केच ड्रॉ करके मुझे दिखा दो, मतलब बता दो क्या बोल रहा है, ठीक है ना? फिर उसके बाद आंसर भी आ जाएगा। इसलिए द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, टू द सर्कल। पहला क्या करोगे, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ऐसा है, ठीक है। क्या तीनों सर्कल जो है क्या वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्या? बताओ, ऐसा ही है ना?
यस कल हम लोग अंदर बना लेते हैं ऐसा। बाहर वाला जो सर्कल है वो कौन सा सर्कल है? बोला है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल इतना टू द सर्कल इतना। क्या बाहर वाला सर्कल तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि बोल रहा है इसी के किसी एक पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पे तुम क्या कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा बोला है आपसे? यस सर, ऐसा बोला है। इस सर्कल का इक्वेशन आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई क्या सीन है। इससे आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो टेंजेंट ड्रॉ किए तो क्या तुम्हें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा? बोल रहा है जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो एक सर्कल है उसको टच कर रहा है, ऐसा बोला है? यस सर। आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो हमें बताना है जो ए बी सी किसमें है, और अंदर वाले सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? फिगर से, फिगर भी आपने ड्रॉ कर लिया, चलेगा सर? हाँ जी सर, ये जो आउटर मोस्ट सर्कल के पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है, ये आउटर मोस्ट सर्कल पे कोई भी पॉइंट से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा वो टच करेगा इनर मोस्ट सर्कल को, हर पॉइंट के लिए ऐसा हो? हाँ ऐसा कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो ऐसा ही कह रहा है ना, तो टच कर रहा होगा तभी बोल रहा होगा, वैसा कुछ कंडीशन होगा ना, तो ऐसा नहीं है सारा सर्कल टच कर रहा होगा। अगर हम चाहें मतलब कर ही रहा होगा कोई ऐसा भी सर्कल हो। अगर सोचो इस पॉइंट से अपन बोल सकते हैं बाहर वाले पॉइंट से, तो इस सर्कल पे दो टेंजेंट तो हम लोग ड्रॉ ही कर सकते हैं ना, चाहे बाहर वाला पॉइंट सर्कल पे हो या कहीं भी हो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा सर्कल पे दो टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, ये तो क्लियर ही है ना? यस सर। हाँ तो बोल रहा है जो इस पॉइंट से आपने जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दूसरे वाले जिस सर्कल पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो हमें यहाँ पे स्टेप वाइज काम करना चाहिए। तो पहला स्टेप, जो भाई इस सर्कल पे अगर हमें पॉइंट लेट करना है तो क्या पैरामेट्रिक पॉइंट लेट करना चाहिए? और सर्कल पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ? क्या a cos थीटा कॉमा r cos थीटा a sin थीटा? a sin थीटा। तो इसके हेल्प से अगर हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखना होगा तो t equals to 0 क्या आ जाएगा उस पॉइंट से? इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, चलो ये p पॉइंट। p पॉइंट के हेल्प से आप किस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख रहे हो, इस पे लिख रहे हो, तो इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन होगा वो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू जीरो। और t इक्वल्स टू जीरो लिखोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्या ये x इंटू a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर, क्या ऐसा बताओगे? ये जो है वो किसका इक्वेशन है, क्या इस लाइन का इक्वेशन है इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का? अरे आया, yes, sir. आया। अब सोचो तो क्या हमें अगर हमें इन्वॉल्व करना हो इस सी को भी, तो कह सकते हो यार ये जो येलो वाला सर्कल है इस पे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो वो टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करना चाहिए हमें बताओ? इसका सेंटर जो है वो 0,0 है और रेडियस क्या है भाई, सी है, तो क्या अपन कह सकते हैं ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या ये रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस इसका क्या है, सी है। क्या आप ऐसा सोचोगे? बोलो ऐसा, yes, ऐसा करें। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है भाई, सेंटर से अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे तो वो रेडियस के इक्वल आएगा, यही तो होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अब बताओ क्या 0,0 से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, क्या माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ऊपर से कितना आ गया, क्या ये बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, क्या ये तुम्हारा ए आएगा इक्वल्स टू सी। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। तो ए बी सी किस में होगा, जीपी में होगा, बताइए। हो गया सॉल्व, सबको समझ में आया ना, फिगर से क्लियर है। हाँ जी अरे भाई एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सोचो ये जो तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये येलो वाले सर्कल पे टेंजेंट है। हाँ सर। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, अगर कोई लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ सेंटर से उस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम फाइंड करोगे तो क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे रेडियस के इक्वल होगा। तो वही तो होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया क्योंकि लाइन अपने को पता है और ये पॉइंट पता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बोल दिया वो रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस आपका सी है, और यहाँ से सॉल्व करके ले आए। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो सही है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये सेम क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है बता दो अभी पढ़ के, ये तुम्हारा होमवर्क है। किस टाइप का क्वेश्चन है, अभी आप कर चुके हो। क्या वो जो फिक्स पॉइंट वाला क्वेश्चन है क्या, जो फैमिली ऑफ लाइन से आपने सॉल्व किया है? यस सर। तो ये आप सॉल्व कर लोगे घर पे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्लियर है? ठीक सर। यस सर। हाँ ये जो अभी आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ये वाला, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इतना विच टच द सर्कल इतना इज, करके दिखाइए तो फटाफट। पहले पढ़ो, एक रफ स्केच ड्रॉ करो, फिर उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है, या फिर फिक्स कर लो। जो पहला स्टेप जो अपना होगा वो रफ स्केच वाला होगा। जैसे रफ स्केच ड्रॉ करोगे क्लियरिटी आ जाएंगी जो कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को। क्या जीतू क्लास में हो तो? समझ में आ रहे हैं? अच्छा धूप मिल रही है कि नहीं तुमको, पहले तो ये बताओ। अंदर नहीं आती है धूप। अच्छा अंदर नहीं आ रही है क्या? ठीक है तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। इसने क्या बोला है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, और किसके बोला है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो सोचो ये एक सर्कल है, ध्यान से देखते हैं, स्टेप वाइज हम लोग चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। क्या इस सर्कल पे कॉर्ड बना सकते हैं अपन कोई सा भी? चलो ये एक कॉर्ड बना दिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है जो अगर तुम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ही तो लोकस चाहिए ना आपको।
यहाँ तक क्लियर है सबको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इस टेंजेंट का, इसी का लोकस सही है, चलेगा? बताओ ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। बोल रहा है जो विच टचेज द सर्कल इतना, और ये जो तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये टच कर रहा है, एक सर्कल है उसका इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक सबने ड्रॉ कर लिया होगा। अब सोचो भाई क्या किया जाए, क्या इस पॉइंट के हेल्प से मैं क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बता सकता हूँ? ये क्या होगा, t इक्वल्स टू जीरो होगा, सात्विक? यस सर। चलो तुम बताओ तो क्या क्या कंडीशन लगाना चाहिए हमें, तुम बता सकते हो इसलिए पूछ रहा हूं। क्या इस पॉइंट के हेल्प से तुम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख लोगे? यस सर। लिख लोगे, यानी कि इस वाले सर्कल पे तुम्हारा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। अब क्या किया जाए, क्या ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इस येलो वाले सर्कल पे टेंजेंट है? यस सर। तो अब क्या करना चाहिए, क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर सकते हैं? यस सर। बन हो गया सॉल्व, फिर h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से, आ गया सर। तो a आ रहा है। अच्छा a आ रहा है, अच्छा आंसर भी आ गया, गुड। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख लेते हैं t इक्वल्स टू जीरो से, ठीक है? यानी कि ये सर्कल आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू जीरो लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या ये x इंटू एच प्लस y इंटू के इक्वल्स टू a स्क्वायर आएगा? क्या ये तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है? अब इसके बाद हम लोग क्या अप्लाई कर दें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अगर हम इस सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, तो क्या वो रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस ए है तो किसके इक्वल आ जाएगा ये? अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, सेंटर क्या है भाई, तो ये ए एच आ जाएगा प्लस जीरो माइनस ए स्क्वायर मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिख दोगे, ए लिख दोगे। क्या ए ए ऊपर से गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच माइनस ए मॉड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या बोथ साइड अपन स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए h equals to h square plus k square, तो h square cancel हो जाएगा, तो y square equals to यहाँ पे a अगर common ले लें तो a minus 2x, क्या यही आएगा, यानी कि पहला option आ रहा है। clear है सबको? yes clear है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो एक लेक्चर को कम से कम दो तीन बार पढ़ना है, ऐसा करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्लियरिटी आएगा। थ्योरी पार्ट जो है उसको अच्छे से समझना है, याद भी कर लेना है जो भी फॉर्मूला आया, क्योंकि ये पांच चैप्टर जो है आपको, पांच चैप्टर जो है पाँच क्वेश्चन आएगा इससे, यानी कि 20 मार्क्स, सोचो सिंपल भी है। तो बार बार पढ़ो, अभी कितना, तो जो नेक्स्ट वीक चलो एक और लगा लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। अगर ढंग से पढ़ लोगे तो 20 मार्क्स तुम्हारा कंफर्म हो गया, और ये स्कोरिंग पार्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, ठीक है ना? इसके लिए भी जो फॉर्मूला आप पढ़ोगे ना, ये पूरे कोनिक के लिए अप्लीकेबल है। अब हमें बताना है इस कॉर्ड का इक्वेशन, जब आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो, x1, y1 अगर गिवन हो इस सर्कल पे, तो आपको बताना है जो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, जो ये जो होगा कॉर्ड का इक्वेशन वो किसके इक्वल होगा, t इक्वल्स टू s1 के इक्वल होगा,
समझ में आ रही बातें? फॉर्मूला क्या याद करेंगे? T equals to S1. ऐसा कब? जब हमें उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो, तब ऐसा काम करेंगे। समझ में आ रही बातें? यस सर। अब अगर तुम सोचोगे सर इसका प्रूफ कैसे होगा, तो चलो प्रूफ को साइड में रखते हैं, आपको मैं बता दूंगा, लेकिन पहले हमें क्या करना है? फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना? तो आप बताओ अभी जो आपने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो तुमने पढ़ लिया जो लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा तुमने, ये सर्कल है इस पी पॉइंट से एक्स वन कॉमा वाई वन से अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आएगा? रूट एस वन के इक्वल आ रहा था। एक तो तुमने ये पढ़ा, याद है सबको? यस ठीक है। दूसरा तुमने पढ़ा जो ये P पॉइंट है x1 कॉमा y1 और इस पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर अपन मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा। दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, ये जो आएगा इसको अगर टी वन टी टू है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसका इक्वेशन क्या होता है? T = 0। ठीक है, ये पूरे कोनिक के लिए अप्लीकेबल है। थर्ड आपने अभी पढ़ा जो अगर सर्कल है, सर्कल या कोई और भी कर्व हो और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है ना, x1 कॉमा y1, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या होगा? T = S1 होगा। ये तीन चीजें आपने पढ़ा है, ये तीनों पूरे कोनिक के लिए अप्लीकेबल है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब के लिए है सर्कल, ठीक है जी। तो अब अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो चलो कर लो, मन तो नहीं है लेकिन कर लो। यहां बताओ क्या एक लाइन ही तो है ये जो ए बी है यही तो तुम्हारा कॉर्ड है ना, इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? पॉइंट तुम्हें पता है, स्लोप चाहिए होगा, क्या ऐसा है? तो क्या तुम कह सकते हो जो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही तो मिड पॉइंट होगा और इसका स्लोप तो हमें पता है क्योंकि स्लोप ऑफ ओ एम जो है क्या वो y1 अपॉन x1 होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? क्या परपेंडिकुलर है? तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ ओ एम होगा। क्या आप लिख सकते हो माइनस एक्स वन बाय वाई वन, ऐसा बताओगे? अगर तुम्हें स्लोप भी मिल गया ए बी का माइनस एक्स वन बाय वाई वन और पॉइंट भी तुम्हें पता है उस कर्व पे क्या है भाई, एक्स वन कोमा वाई वन है, तो क्या इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख दोगे? y माइनस वाई वन माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया? y इंटू वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखो यहाँ से y इंटू वाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स वन इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ऐसा आया। अब इसको देख के लग रहा होगा यार ये कुछ कुछ टी जैसा दिख रहा है, उसमें कमी क्या है? तो सर्कल का जो इक्वेशन अभी लिए हो एस, वो क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। अगर एस वन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? क्या ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखोगे? अगर टी लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर लिखोगे? बताओ, ये तो सबको समझ में आता है ना? Yes, आता है। Yes. तो इसमें किसकी कमी? अगर मैं इधर माइनस आर स्क्वायर और इधर माइनस आर स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बात अपनी बन जाएगी? इधर t बन जाएगा और इधर s1 बन जाएगा, ऐसा होगा क्या? बताइए, चलेगा जी? Yes. चलेगा। तो यहां से ये अपना इस कॉर्ड का जो इक्वेशन आ गया वो t equals to s1 आएगा, और कब आएगा? जब हमें उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला जो थ्रो
a point h comma k, secants are drawn to the circle. The midpoint of the corresponding chord, describe the curve. चलिए बताइए कैसे होगा, क्या एक तरह से मिड पॉइंट का लोकस ही तो आपसे पूछ रहा है ना। क्वेश्चन पढ़ो और समझो और करो। क्या मिड पॉइंट का लोकस आपसे पूछ रहा है? कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो रफ स्केच ड्रॉ कर लो, रफ स्केच ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप देखो उस पर क्या अप्लाई करेंगे जिससे ये सॉल्व हो। सबको समझ में आया क्या लोकस ही आपसे पूछा जा रहा है? यस सर। ठीक है चलो रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, एक ये पॉइंट है h कॉमा k, h कॉमा k से क्या आप सीकेंट ड्रॉ कर रहे हो? इसको सीकेंट बोलते हैं? यस सर। यस। तो अब जो ये सीकेंट मान लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है जो इस सीकेंट के मिड पॉइंट का लोकस बता दो भाई, क्योंकि इससे इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ कर सकते हो ना तुम। यस सर। तो अगर इनफाइनाइट सीकेंट ड्रॉ कर सकते हो तो उन इनफाइनाइट सीकेंट के हेल्प से अगर जो कॉर्ड बन रहा होगा उसके मिड पॉइंट का क्या पोजिशन जो होगा वो चेंज हो रहा होगा, तो वो मिड पॉइंट जो है किसी ना किसी कर्व पे लाई कर रहा होगा और उसी कर्व का इक्वेशन तो हमें फाइंड करना है और वही तो कहलाएगा लोकस। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बहुत बढ़िया। तो अगर इस मिड पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना है तो इस मिड पॉइंट को कुछ लेट कर लें, ये पहले से एच कॉमा के दे रखा है तो क्या इसको अल्फा कॉमा बीटा बोल दें? क्या इसी मिड पॉइंट का लोकस आपको फाइंड करना है? यही करना है अपने को। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। आ रहा है। तो अब सोचो अगर तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बता दोगे? t इक्वल्स टू s1 बताओगे क्या? अभी तो पढ़े हैं ना, क्या इस लाइन का इक्वेशन t इक्वल्स टू s1 होगा? यस सर। होगा। तो आपके पास जो कर्व है वो s क्या है आपका? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अगर यहाँ से s1 लिखेंगे तो क्या वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा? अगर t लिखेंगे तो क्या ये x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा माइनस r स्क्वायर होगा? ठीक है, तो कॉर्ड ए बी का इक्वेशन लिखोगे तो वो जो t इक्वल्स टू s1 लिखेंगे तो t इक्वल्स टू s1 से क्या मिलेगा हमें? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा? तो यहाँ से आप बोलोगे सर इस आर आर को तो आप गायब कर दो, यहाँ से आ गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा आया। ऐसा लिख दिए। लेकिन अगर हमें लोकस फाइंड करना है तो यार यहाँ पे x और y क्या कर रहा है, इसको तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस पॉइंट का लोकस कर रहे हैं। तो क्या अल्फा को रिप्लेस करेंगे x से और बीटा को रिप्लेस करेंगे k से? क्योंकि h के पहले से दे रखा था, नहीं तो अपन h के इसको लेट करते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ। नहीं है। तो तुम एक चीज तो कह सकते हो यार इसका तो अभी तक हमने यूज ही नहीं किया, क्या ये वही कॉर्ड है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है h कॉमा k से? ऐसा है?
ऐसा है। तो क्या ये जो इक्वेशन आया क्वाड का, ये सेटिस्फाई करेगा एच कोमा के को? अगर एच कोमा के को सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखोगे, अल्फा एच प्लस बीटा के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करें, अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, बीटा को रिप्लेस कर देते हैं अपन वाई से, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां से क्या मिला आपको, क्या ये एक्स एच प्लस वाई के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? तो देख लो कौन सा आ रहा है, क्या चेन्नई आ रहा है, सॉरी चेन्नई बॉम्बे। समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। इन सब क्वेश्चन को आपको घर को घर पे करना है, मैंने बोला लेक्चर नोट्स तीन बार पढ़ना है अगर आप जेई के लिए सीरियस हो तो, अगर सीरियस नहीं हो बस ऐसे ही टाइम पास करना है, ठीक है ना? तो कोई नहीं, मजे से घूमो फिरो एंजॉय करो, ठीक है ना, उतना लोड नहीं लेना है। चलो ये वाला जेई एडवांस का क्वेश्चन करके दिखाओ। तो द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन इतना टू द सर्कल दिस। पहले रफ स्केच ड्रॉ करना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो तो कर लोगे फटाफट फटाफट, ट्राई करो। कितना टाइम हो गया, 33। अभी अपने पास टाइम है ना, कितने बजे तक क्लास है ये, 3 बजे तक की है ना? कीजिए तो इसको, रफ स्केच ड्रॉ कर लिए तुम लोग? क्या बोल रहा है, जो एक लाइन है ये वाला और लाइन है आपका 4x-5y=20। अब इस लाइन के किसी पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ड्रॉ कर दिया आपने टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट ये वाला ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट आपने ये वाला ड्रॉ कर दिया। तो बोल रहा है जो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का ये आपका क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो जिसका लोकस बताना है उसको एच कॉमा के कह देंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो सबको समझ में आया होगा ना? हेलो, आ गया। अब सोचो अप्रोच क्या होगा। चलो जीतू बताओ कैसे, पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेंगे। क्या करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले लेंगे। अच्छा, इसने बोला जो चलो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले लेते हैं, ओके। लेकिन पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेके थोड़ा सा अपना काम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी लोगे तब भी काम चल जाएगा। तुम यही करना चाह रहे होगे ना, इस पॉइंट के हेल्प से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखना चाह रहे होगे, यही करना चाह रहे हो? दूसरा इस मिड पॉइंट के हेल्प से भी इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, नहीं? क्या फिर दोनों को कंपेयर कर लोगे, क्योंकि सेम लाइन का इक्वेशन अपन दो तरीके से लिखे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर इस मिड पॉइंट के हेल्प से लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये t इक्वल्स टू s1 लिखोगे मिड पॉइंट के हेल्प से? और ये जो पॉइंट है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट, इसको चलो कुछ भी बोल दो, अल्फा कोमा बीटा ले लें इस पे। तो अगर इसके हेल्प से लिखना चाहोगे तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू 0 लिखोगे। अब सेम लाइन का इक्वेशन अपन दो तरीके से लिख रहे हैं, क्या उन दोनों तरीके से जो इक्वेशन आ रहा होगा एक्चुअली में, वो तो लाइन सेम ही है ना, तो क्या कोफिशिएंट अपन कंपेयर कर सकते हैं, क्या रेशियो इक्वल आएगा? अरे यही बताओगे, हाँ ना बोलो,
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो इक्वेशन लिखोगे वो अगर हम लोग इसके हेल्प से लिखें तो क्या आ जाएगा, सर्कल है अपना एक्स स्क्वायर यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो लिखोगे तो क्या ये एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू बीटा इक्वल्स टू नाइन लिखेंगे, ऐसा आ जाएगा। और अगर मिड पॉइंट के हेल्प से लिखेंगे तो मिड पॉइंट के हेल्प से क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एस वन, तो इस बार क्या लिख लोगे एक्स एच प्लस वाई के माइनस नाइन इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस नाइन, कैंसिल करो तो क्या ये एक्स एच प्लस वाई के इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है क्या, ऑप्शन ए आ रहा है, शायद सही हो तुम्हारा, कौन बाहुबली बोला है क्या, चलो इन दोनों को अगर कंपेयर, दोनों लाइन सेम है तो क्या लिख सकते हैं, क्या ये अल्फा अपॉन एच इक्वल्स टू बीटा अपॉन के इक्वल्स टू नाइन अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा। अब सोचो यहाँ से क्या ये जो अल्फा है, अल्फा अपन फाइंड कर ले फिर इस वाले लाइन में डाल देंगे तो बात बन जाएगी अपना, बताओ बात बनेगी अपनी, तो अल्फा किसके इक्वल होगा, क्या ये नाइन एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बताओगे, और बीटा किसके इक्वल होगा, क्या ये नाइन के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा क्या। अब सोचो ये अल्फा और बीटा इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है, क्या अपन बोल सकते हैं फोर अल्फा माइनस फाइव बीटा इक्वल्स टू ट्वेंटी, तो अब रख दो इसमें, अगर इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा फोर इंटू नाइन एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस फाइव इंटू नाइन के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी, और यहाँ से आ गया 36। इसको h और k को रिप्लेस कर दें x और y से, तो 36x माइनस 45y इक्वल्स टू 20x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो कौन सा आया, तो बाहुबली का आंसर सही है, तो आगरा ही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, सबको समझ में आया, बताओ नहीं आया क्या सर? जी सर, आपका जो माइक लगा है बहुत वो कर रहा है सर, एएसएमआर सर, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक से। अच्छा इको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर, मतलब माइक बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है, आवाज आ रही है। अच्छा माइक चेंज हुआ है ना, तो चलो 5 मिनट ही तो बचा है ना, कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका होमवर्क दे देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं देखो पेयर ऑफ टेंजेंट का मैं सोच रहा हूँ वीडियो भेज दूँ, थोड़ा देख लेना। पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है ना वो एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर होता है। कल अपनी क्लास है क्या, कल क्लास है अपनी? नहीं सर कल नहीं है, सैटरडे को है, सैटरडे को है, तो सोच रहा हूँ सैटरडे संडे में अगर हमें कंप्लीट करना है तो कुछ पार्ट जो होगा जो इजी सा होगा उसका आपको अगर होगा तो वीडियो भेज दूंगा, आप आधे एक घंटे में उसको देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में जो उसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा आप पूछ लेना, फिर अपन आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके, डाउट क्लास कब रखेंगे, क्या बोले सर? डाउट क्लास स्ट्रेट लाइंस का बचा हुआ था। हाँ हाँ रखेंगे भाई, रखेंगे, सब रखेंगे।